नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जौनपुर के जफराबाद नगर पंचायत के मोहल्ला सिखवाड़ा में शनिवार को देर शाम न्याय पाने के लिए पत्नी तथा परिजन ससुराल में पति के दरवाजे पर धरने पर बैठ गए। बहुत समझाने बुझाने के बावजूद भी रात भर भी पत्नी चौखट पर बैठी रही। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद कुमार बरनवाल तथा अन्य मोहल्ले के लोगों ने रविवार को दोपहर पत्नी को लेकर जफराबाद थाने पर तहरीर दिया। कस्बा निवासी मोहल्ला काजी अहमद नूर निवासी जमील अहमद ने अपनी सबसे छोटी पुत्री यास्मीन की शादी 4 वर्ष पूर्व कस्बे के ही शेखवाड़ मोहल्ला निवासी यासिर के साथ किया था। शादी के लगभग 1 वर्ष बाद पारिवारिक कलह की वजह से यास्मीन मायके में रहने लगी। ससुराल में आकर कई बार रहने की कोशिश किया, लेकिन ससुराल वालों ने ससुराल में रहने नहीं दिया। यास्मीन के पिता मोहम्मद जमील ने पुत्री को उसका हक तथा ससुराल में रहने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। शनिवार को जमील अहमद तथा उनकी पुत्री यास्मीन को खबर लगी कि यास्मीन दूसरी शादी करने के लिए बारात लेकर आजमगढ़ गया हुआ है। इतना सुनते ही यास्मीन न्याय के लिए जफराबाद थाने पहुंचकर थानाध्यक्ष से गुहार लगाया। शनिवार को देर शाम पति दूसरी शादी कर दुल्हन को घर ले आया। यास्मीन न्याय पाने के लिए शनिवार को देर रात अपने ससुराल घर पर पहुंच गई। ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से भगाने की कोशिश की, घर का दरवाजा बंद कर लिया। यास्मीन तथा उसकी माँ व पिता ससुराल में घर के बाहर बंद दरवाजे पर ही धरने पर बैठ गए। रात भर पुलिस परेशान रही। रविवार को दोपहर करीब 12 बजे नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद कुमार बरनवाल के समझाने बुझाने पर यास्मीन तथा उसके परिजन तहरीर लेकर जफराबाद थाने पर पहुंचे। मामले में थाना अध्यक्ष ने कहा कि तारीख के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। क्या मामला है, कैसे आप यहाँ पर थाने पर कहा भाई? मेरे आदमी बिना बताए दूसरी शादी कर ली। कब की है? कल के दिन बताए, चोरी से। किस लिए किया ऐसा? केस हमारा चल रहा है, अपनी मर्जी से ही शादी कर लिए हैं, दिन बताए हमसे, और हम चाहते उन्हीं के साथ रहना, हमें इज्जत से रखें। कुछ मांग रहे हैं? क्या कुछ मांग कर रहे हैं जी? पैसा मांग रहे हैं, गाड़ी मांग रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे इसीलिए हमें नहीं रखना चाहते, लेकिन फिर भी हम उनके साथ रहना चाहते हैं। कहाँ पे बैठी हैं आप? अपने ससुराल में। क्या परिवार वाले कोई है कि सब यहाँ है कि नहीं? हैं सब लोग। अब क्या कह रहे हैं लोग? ये लोग कह रहे हैं हम नहीं रखेंगे तुम्हें। क्या थाने पे या किसी अधिकारी के यहाँ आपने शिकायत की थी? जी। कहाँ था? थाने। पंचायत हुई थी पहले? हाँ, पंचायत हुई थी। क्या हुकम था पंचायत में? कोई पंचायत में पंचायत में क्या कर रहा है? बड़ा से तकलीफ खा रहा है, बुखार खा रहा है, मशहूर है इधर आके बात इधर सामने अजमेरी भाई मैं कह लो नहीं बताओ ना पंचायत में कौन था? पंचायत में बहुत लोग थे, मतलब कि जो मैम आदमी था जिसको पहचानते थे। क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि गरीब लड़की है, प्यार मोहब्बत से कैसे शादी किए थे, अब गरीब है तो भाई कहाँ मांग पूरी कर पाएगी। अब शादी किया तो उसको निभावें, और इनके समाज में शायद ऐसा होता है भी कि दो दो तीन तीन बीवी रख सकते हैं, रखें दोनों को रखें। आपके द्वारा क्या किया गया? आप चेयरमैन है, आप सम्मानित हैं। अब हमारे द्वारा तो यही किया जा रहा है ना कि इनकी हमारे तरह से मदद कर रहे हैं। आप जैसे महान भावों को बता रहे हैं कि गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, कहाँ आपको बता पाती हो? एकदम मेरे सामने हुई थी, मैं बीज बचाव कराने आया कि भाई इसको भी आप रखिए, उसको भी रखिए। उसके लड़के की 2 बहनें हैं, लगी मारने की भिखमंगी, इस भिखमंगी को मैं कहाँ रखूँगा? इसका स्टेटस मेरे स्टेटस में काफ़ी अंतर है, मेरे घर के लायक ही नहीं है। उनका कहना ये है कि इनका स्टेटस बहुत छोटा है, मेरा स्टेटस बहुत बड़ा है, मैं इनको नहीं रख पाऊंगा, एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा।
मुझे कुछ मालूम नहीं था। कल मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, लड़की तीन चार लोगों के साथ गई, रोने लगी, कहा चाचा मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आप मेरा सहयोग करिए। तो चूँकि मामला मैं जान ही नहीं रहा था, जब पूरी जानकारी मेरे संज्ञान में आई तो हमने कहा ऐसा है बेटा, हक पाने के लिए तुम्हें लड़ना होगा, समाज है, तुम जाओ वहाँ बैठ जाओ और अपना हक मांगो। तो मैं भी आ गया कि चले बात समझौता करा दें लोगों में। तो मेरे सामने उसकी दो बहनें थी, लगी इसको मारने, मजबूरन मुझे जो है बचाव कराना पड़ा। उसके बाद हम कहा बाहर बैठ के तुम लोग धरना करो, नहीं घर में रहोगे, हो सकता हमारे पीटे। तो उसके बाद क्या हुआ ये सब रात भर कंटिन्यू बैठी रह गई। रात में मैं अशोक से भी बात किया कि गरीब लड़के, इसके साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय ना हो, जो न्याय हो नियमता कानून के दायरे में वो होना चाहिए। हमारे द्वारा जहाँ तक हो इनके मैं मदद करूँगा, सहयोग करूँगा, पीड़िता है, शासन में प्रशासन में इसकी आवाज़ उठ। इनका मामला ये है कि इन्होंने शादी किया, इनके साथ शादी करके कम से कम 5 साल तक इनको बेवकूफ़ बनाता चला गया। अब मांग क्या थी क्या नहीं थी, ये जब भी कोई कदम उठाओ तो बोले कुछ मत करो हम तुम्हारा साथ देंगे। ऐसे करते करते जिस दिन शादी होने वाली थी 3 बजे रात की इनके पास फ़ोन आया, उसने बोला कि मेरी शादी नहीं मेरे भाई की शादी है, और उसने शादी कर लिया बेवकूफ़ बना के लड़की को, और उसकी बात में ये आ गई। हेलो, क्या इसको लेकर पंचायत भी हुआ? पंचायत हुआ था आज से 4 साल पहले। पंचायत में जो यहाँ के सबसे बड़े मुखिया सरफराज खां थे, अबू साद खां थे, शकील खां थे, वसीम रहे, और लोग बहुत अन्याय बहुत लोग थे। क्या मांग है उन लोगों की, किस लिए? अब उनकी मांग यही बता सकती हैं सर। क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद इशार है। यह मामला एक शख्स दो परिवारों को गुमराह करके और दो लड़कियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कौन सा जिंदगी, दो बच्चियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जहाँ पर हम खड़े हैं मोहम्मद यासीर स्वर्गीय फैजान के बेटे हैं। दो परिवारों को गुमराह करके अपने हवस और अय्याशी का शौक पूरा करने के लिए दो परिवारों को गुमराह करके दो लड़कियों की जिंदगी की खिलवाड़ कर रहा है जीवन से। ये बहुत बड़ी विडंबना है। मैं आप लोगों के माध्यम से, मैं शासन प्रशासन आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पीड़ित के साथ न्याय हो, क्योंकि बेटी सबके पास है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।